मर्यादा बनाए रखना, संसद की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी, विशेष रूप से आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। बस्तियां नारेबाजी करना, बेल में आकर आसन के नजदीक आना, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है और देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती। গত বাদল অধিবেশনেও অসংসদীয় শব্দ ব্যবহারের জন্য সাসপেন্ড হয়েছিলেন লোকসভার কংগ্রেস দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সোমবার শীতকালীন অধিবেশনেও সাসপেন্ড করা হলো অধীরকে, সঙ্গে আরও 30 জনের বেশি বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তৃতার মাঝেই নতুন সংসদ ভবনের নিরাপত্তা নিয়ে সরবহন বিরোধী সাংসদরা, তুমুল চিৎকার শুরু হয় সংসদ কক্ষে। প্রথমে 2:45, পরে 3:00 পর্যন্ত সবার কাজ মুলতুবি করে দেন স্পিকার। তারপরেও পরিস্থিতি তপ্ত হয়, অধীরসহ 30 জনের বেশি সাংসদকে সাসপেন্ড করেন স্পিকার। সাম্প্রতিক সময়ে একসঙ্গে এতজন সাংসদকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করেন স্পিকার। আগামী 22 ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে শীতকালীন অধিবেশন, ততদিন এই সাংসদেরা অধিবেশনে যোগ দিতে পারবেন না। অধীর রঞ্জন চৌধুরীর সাথে সাথে সাসপেন্ড হওয়া সাংসদদের তালিকায় রয়েছেন বাংলার অনেক তৃণমূল সাংসদও, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরূপ পোদ্দার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল মণ্ডল, সৌগত রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, প্রতিমা মণ্ডল, অসিত মাল, শতাব্দী রায়কে সাসপেন্ড করেছেন স্পিকার। এছাড়া এ তালিকায় রয়েছেন ডিএমকে 3 সাংসদ টিআর বালু, এ রাজা ও দয়ানিধি মারান। এই অধিবেশনে লোকসভা এবং রাজ্যসভা মিলিয়ে মোট 67 জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হলো। মাননীয় সদস্যগণ, লোকসভা মে 13 দিসম্বর 2023 কো জো দুর্ঘটনাপূর্ণ আর হাম সবকে লিয়ে চিন্তাজনক ঘটনা ঘটি হে, নিশ্চিত রূপ সে পুরে সদন মে ইস পর গহরী চিন্তা ব্যক্ত কি থি और इस घटना को सामूहिक रूप से भी हमने चिंता व्यक्त भी की थी और भविष्य में घटना न घटे इसके लिए भी कार्य योजना बनाने की योजना बनाई थी। उसी दिन मैंने इस विषय पर सभी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया था और कैसे हम संसद की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं उसके लिए हमारे सभी दलों के नेताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे और मेरी कोशिश है कि उन कुछ सुझावों में से कुछ में अमल हुआ है, कुछ में आपके साथ बैठकर और हम अमल करेंगे और इस घटना की एक उच्च स्तरीय जांच हो इसकी भी हमने योजना बनाई और उसकी जांच कमेटी बनाई और उसकी जांच शुरू हो गई है। पार्लियामेंट स्तर पर भी इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है जो संसद परिसर में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और किस तरीके से हम संसद की सुरक्षा को बेहतर कर सकते हैं इसके लिए आप सबके सुझावों पर एक ठोस कार्य योजना भी बनाएंगे ताकि हम भविष्य में किसी भी घटना का कोई घटना न घटे उसके लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था व्यापक हो और सबके सहयोग से हो। आप सभी भलीभांति अवगत है कि हमारे सदन में पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी है। सदन के अंदर आगंतुक और पिस्तल लाने वाली, नारेबाजी वाली और दर्शक में कूदने वाली, पर्चे फेंकने वाली घटनाएं पूर्व में भी हुई थी, लेकिन उन सब घटनाओं पर भी माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से सामूहिकता से काम किया था। इस सदन में स्प्रे फेंकने जैसी घटना भी हुई, लेकिन हम सब ने ऐसी घटनाओं के विरोध में एक स्वर में एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प लिया था। आप सभी भलीभांति पहचानते हैं कि संसद की सुरक्षा का सेतु अधिकार संसद सचिवालय के अंतर्गत आता है, इसलिए सुरक्षा के विषय में जो भी कार्य योजना बनाएगी वह संसद बनाएगी, आपसे विचार विमर्श करके बनाएंगे और ठोस कार्य योजना बनाएंगे। पूर्व में भी ऐसी जब घटना घटी थी, जब तत्कालीन अध्यक्षों ने ही उस पर संज्ञान लिया था और उस घटना पर कार्रवाई की थी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं, ये
किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटनाएं नहीं है और इस घटना से कभी भी निलंबन जो माननीय सदस्यों उस घटना से संबंध भी नहीं है। ये घटना अलग है और निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे दुख है, मैं कभी किसी माननीय सदस्य का निलंबन नहीं करना चाहता। मुझे बहुत व्यक्तिगत पीड़ा भी होती है कि जो मेरे माननीय सदस्य हैं उनका निलंबन करूं, लेकिन संसद की मर्यादा बनाए रखना, संसद की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, विशेष रूप से आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। और इसलिए संसद की परंपराओं परपाटियों का श्रेष्ठ पालन हो, और जब नई संसद बनी थी तो हमने बैठकर सब दलों के नेताओं से चर्चा भी की थी कि हम तख्ती लेकर नहीं आएंगे, सदन की उच्च कोटि की गरिमा मर्यादाओं को बनाए के रखेंगे और किसी तरीके से हंगामा नहीं करेंगे। देश की जनता भी ऐसे आचरण को कतई पसंद नहीं करती है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम सब इस अपेक्षा के साथ कि ऐसी घटना न घटे और सदन के अंदर भी गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए भविष्य में सदन की गरिमा सर्वोपरि है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मेरा सदैव ये प्रयास रहा है कि सदन में सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन असहमति सकारात्मक हो और विरोध भी हो तो हम अपने शब्दों के अंदर विचारधारा के आधार पर विरोध करें। तख्तियां नारेबाजी करना, बेल में आकर आसन के नजदीक आना, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है और देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती। इसलिए हम सब देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और व्यापक चर्चा संवाद के साथ देश की जनता का कल्याण कर सके, अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सके, इसके लिए मैं आपका सहयोग चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस सदन में जो इसकी गरिमा रही है, बड़ी बड़ी घटनाओं पर सार्थक चर्चा हुई, संवाद हुआ है, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, राष्ट्र के हित में अपने कर्तव्य निभाने के लिए निष्ठा रूप से मुझे सहयोग करेंगे। पूर्व में भी आपका सहयोग मिला है, आप सहयोग करेंगे, सकारात्मक चर्चा करें, वाद विवाद करें, सदन आपका है, सदन में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन ये तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है और देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सब सदन का सहयोग करेंगे, प्रश्नकाल को चलने देंगे, प्रश्नकाल के बाद आप कोई विषय हो तो मुझसे चर्चा करें, मैं आपकी हर समस्याओं का समाधान का रास्ता निकालूंगा। माननीय सदस्य, ये सदन आपका है। पूर्व में भी जब कभी सदन में घटनाएं घटी है तो ये क्षेत्र अधिकार संसद सचिवालय का आता है। मैंने पूर्व में भी कहा था, अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि सदन में सभी माननीय सदस्यों की सुरक्षा बनी रहे और इसके लिए आपसे बैठकर ही समीक्षा करेंगे। जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और व्यापक इंतजाम करेंगे, जहां सरकार का सहयोग लेना हुआ सरकार का सहयोग भी लेंगे, लेकिन क्षेत्र अधिकार हमेशा संसद का रहना चाहिए, आप भी इस मत के होंगे। और इसलिए जो कुछ भी जिम्मेदारी है वो मेरी है, संसद सचिवालय की है, आपके हर चिंता का समाधान हम निकालेंगे। माननीय सदस्य प्लीज आसन पे विराजे हैं, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन चिंता सबकी है। जोशी जी बोलना चाहते हैं। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है